नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है आम्रपली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि कटिहार जंक्शन बिहार से अमृतसर जंक्शन के बीच में रोजाना चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है आम्रपली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि कटिहार जंक्शन से अमृतसर जंक्शन के बीच में चलती है। अब इसका जो है नया टाइम टेबल है और नए टिकट किराए के साथ ये चल रही है, तो मैं आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आम्रपली एक्सप्रेस स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो इसका ट्रेन नंबर है 15707। ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। कटिहार जंक्शन बिहार से ये जो ट्रेन है 37 घंटे 35 मिनट का समय लगाती है अमृतसर पहुंचने के लिए, और इसके तकरीबन 53 स्टेशन हैं और 1805 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 48 किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रेन है LHB कोचेस वाली ट्रेन है और मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। पहले अभी कोविड के समय ये कोविड स्पेशल ट्रेन थी, अब जो है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे डिवीज़न जो है इसे ऑपरेट करता है। आगे बात करते हैं इसके नए टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो कटिहार से अमृतसर तक का बताऊंगा, कटिहार आम्रपाली एक्सप्रेस का। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों में भी अभी आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा, विदाउट रिजर्वेशन आप नहीं जा सकते। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे डिस्कस कर लेते हैं इस ट्रेन के टिकट किराए के बारे में। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो इसमें सेकंड एसी के कोच है जिसका कटिहार से अमृतसर तक का जो टोटल किराया है वो है 2735 रुपये, जिसमें 2554 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 131 रुपये है और टोटल किराया जो है वो है 2735 रुपये। यह अपडेटेड और सही किराया है, IRCTC की वेबसाइट से मैंने आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। बाकी थर्ड एसी का जो कटिहार से अमृतसर तक का जो टोटल किराया है वो है 1880 रुपये, जिसमें 1750 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 90 रुपये है, टोटल किराया जो बनता है वो है 1880 रुपये। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो GST चार्ज होता है वो सिर्फ AC कोचेस में शामिल होता है, नॉन AC कोचेस में जो है GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। बाकी इसमें जो हैं स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 10 कोचेस हैं, तो जिसका टोटल किराया है वो है 710 रुपये, जिसमें 690 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। ये आम्रपाली एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का किराया जो है कटिहार से अमृतसर तक का बता रहा हूँ। और इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं, जनरल डिब्बों के तकरीबन इसमें 8 कोचेस हैं, तो जिसमें आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। रिजर्वेशन के साथ जो है जनरल डिब्बों का किराया है वो है 435 रुपये, जो कि कटिहार से अमृतसर तक का है। बाकी 420 रुपये इसमें बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है, टोटल किराया जो है वो है 435 रुपये। और दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने कभी भी आम्रपाली एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी ट्रेन है, मैं आपके कमेंट को जो है पिन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे आम्रपाली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे कटिहार जंक्शन से अमृतसर जंक्शन तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। आम्रपाली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो है कटिहार जंक्शन से रोजाना रात के 10:45 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 37 घंटे 35 मिनट बाद ये ट्रेन जो है अमृतसर जंक्शन पंजाब में पहुंचती है। इसके तकरीबन 53 स्टेशन हैं, 1805 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है खरागोला रोड बिहार, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 11:05 पे पहुंचती है और 11:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। खुरसेला बिहार में ये ट्रेन जो है रात के 11:30 पे पहुंचती है और 11:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। नवगछिया स्टेशन बिहार में ट्रेन जो है रात के 11:41 पे पहुंचती है और 11:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 58 किलोमीटर की दूरी जो है कटिहार से नवगछिया रेलवे स्टेशन बिहार तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद थाना बिहपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 11:57 पे पहुंचती है और 12 बजे के करीब वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। इसका स्टेशन कोड है THB। मानसी जंक्शन में आम्रपाली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1:01 पे रात को पहुंचती है और 1:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। 116 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खगड़िया जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है 1:13 पे पहुंचती है और 1:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है रात के 1:48 पे पहुंचती है और 1:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बरौनी जंक्शन बिहार में रात के 3 बजे पहुंचती है और 3:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है,
सात नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। यहाँ पर रक्सौल हावड़ा एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। बरौनी जंक्शन के बाद समस्तीपुर जंक्शन बिहार में ये ट्रेन जो है सुबह 4 बजे पहुँचती है और 4:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। सात नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 232 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। खुदीराम बोस पूसा स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 4:18 पर पहुँचती है और 4:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। खुदीराम बोस पूसा के बाद ये ट्रेन जो है ढोली रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:32 पर पहुंचती है और 4:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। मुजफ्फरपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 5:25 पर पहुंचती है और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 284 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हाजीपुर जंक्शन बिहार में सुबह 6:20 पर पहुंचती है और 6:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। सोनपुर जंक्शन बिहार में सुबह 6:35 पर पहुंचती है और 6:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है दिगवारा रेलवे स्टेशन बिहार में ये ट्रेन जो है सुबह 7:08 पर पहुंचती है और 7:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। छपरा जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है सुबह 8:40 पर पहुँचती है और 8:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 397 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सिवान जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है सुबह 9:40 पर पहुँचती है और 9:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 458 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मैरवा बिहार में ये ट्रेन जो है सुबह 10:01 पर पहुंचती है और 10:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 480 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बिहार से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। देवरिया सदर उत्तर प्रदेश में सुबह 10:45 पर पहुंचती है और 10:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। गोरखपुर जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 12:10 पर पहुंचती है और 12:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। खलीलाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 1:03 पर पहुंचती है और 1:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बस्ती रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 1:31 पर पहुंचती है और 1:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। मनकापुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में 2:25 पर पहुंचती है और 2:27 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। गोंडा जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 3:10 पर पहुंचती है और 3:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बाराबंकी जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 4:33 पर पहुंचती है और 4:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बादशाह नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये शाम के 5:35 पर पहुंचती है और 5:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। लखनऊ ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर शाम के 6 बजे पहुंचती है और 6:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 851 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और लखनऊ ऐशबाग का स्टेशन कोड है ESH। लखनऊ ऐशबाग के बाद ये ट्रेन जो है उन्नाव जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 7:12 पर पहुंचती है और 7:14 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 909 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कानपुर सेंट्रल में आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो शाम के 7:50 पर पहुंचती है और 7:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इटावा जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 9:35 पर पहुंचती है और 9:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है रात के 10:30 पर 10:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। टुंडला जंक्शन में रात के 11:10 पर पहुँचती है और 11:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 4 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है।
हाथरस जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 11:52 पे पहुंचती है और 11:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अलीगढ़ जंक्शन में पहुंचती है। आम्रपाली एक्सप्रेस जो है अलीगढ़ जंक्शन में रात के 12:17 पे पहुंचती है और 12:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। खुर्जा जंक्शन उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है रात के 12:52 पे पहुंचती है और 12:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन गाजियाबाद जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 2:03 पे पहुंचती है और 2:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1337 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है दिल्ली शाहदरा जंक्शन में पहुंचती है। दिल्ली शाहदरा जंक्शन में रात के 2:03 पे पहुंचती है और 2:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है ओल्ड दिल्ली जंक्शन या पुरानी दिल्ली स्टेशन पे ये ट्रेन जो है रात के 2:55 पे पहुंचती है और 3:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है। 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सोनीपत जंक्शन हरियाणा में ये ट्रेन जो है सुबह 4:22 पे पहुंचती है और 4:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1401 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पानीपत जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:55 पे और 4:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। करनाल रेलवे स्टेशन हरियाणा में सुबह 5:51 पे पहुंचती है और 5:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 1485 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कुरुक्षेत्र जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 5:46 पे पहुंचती है और 5:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1518 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अंबाला कैंट जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 6:45 पे पहुंचती है और 6:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अंबाला कैंट जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है राजपुरा जंक्शन पंजाब में सुबह 7:18 पे पहुंचती है और 7:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सरहंद जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 7:41 पे पहुंचती है और 7:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1609 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खन्ना रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जो है सुबह 7:55 पे पहुंचती है और 7:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। खन्ना के बाद आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लुधियाना जंक्शन पंजाब में सुबह 8:40 पे पहुंचती है और 8:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। लुधियाना जंक्शन में ये ट्रेन जो है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और तकरीबन 1670 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। लुधियाना जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है फिलौर जंक्शन पंजाब में सुबह 9:04 पे पहुंचती है और 9:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है फगवाड़ा जंक्शन में पहुंचती है। फगवाड़ा जंक्शन में इसका पहुंचने का समय है सुबह 9:57 पे और 9:10 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो जलंधर सिटी जंक्शन में पहुंचती है। जलंधर सिटी जंक्शन में सुबह 10:30 पे पहुंचती है और 10:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अपने अगले स्टेशन ब्यास जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 11:11 पे पहुंचती है और 11:13 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1764 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आम्रपाली एक्सप्रेस जो है वो कटिहार से चलकर अपने आखिरी स्टेशन अमृतसर जंक्शन पंजाब में पहुंचती है। अमृतसर जंक्शन पंजाब में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:20 पे पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। कटिहार से यहां तक की जो दूरी है 1809 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। 37 घंटे 35 मिनट का समय लगाती है और इसके तकरीबन 53 स्टेशन है। दोस्तों इसी के साथ आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं किसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।